हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। गर्मी के सीज़न में सब्जियां बहुत कम आती हैं, पर ककड़ी और अंगूर बहुत आते हैं। तो आज मैं आपको ककड़ी और अंगूर की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये आधा किलो ककड़ी ली है मैंने, ये खीरा ककड़ी नहीं ली है मैंने, बारीक वाली ककड़ी ली है, पतली वाली जो ककड़ी आती है उसको धो के मैंने इस साइज़ में काट लिया है। एक बाउल अंगूर लिए हैं, अंगूर मीठे होने चाहिए। हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, दो हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, धनिया पाउडर, रिफाइंड ऑयल, नमक, राई जीरा मैंने मिक्स करके रख रखा है। दो टमाटर को मैंने धो के काट लिया है, फ्रेश मलाई है और सींग दाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैंने सेक लिया है और इसके छिलके निकाल दिए हैं, इसका हम पाउडर बनाएंगे। और हींग है। सबसे पहले हम सींग दाने का पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने सींग दाने का पाउडर बना लिया है, इसको एक बाउल में निकाल देंगे। अब हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। इसी के साथ हम हरी मिर्ची और अदरक भी ऐड कर देंगे। ये अदरक भी मैंने छील के रख रखा था, इसको भी हम काट के डाल देते हैं। अब इस पेस्ट को भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये गैस चालू कर रही हूँ और कढ़ाई में तेल डालेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, दो चम्मच तेल डाला था मैंने, गरम हो गया है। अब मैं इसमें एक पिंच हींग का डालूंगी, राई जीरा डालूंगी आधा चम्मच, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, दो चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, आधे चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी और टमाटर प्यूरी डाल दूंगी। अब हमको मसाले को अच्छे से भूनना है। इस मसाले को अच्छे से भूनना है हमें। आप जैसे ही मसाला डालें वैसे ही इसको हिलाइए, नहीं तो आपका मसाला गल जाएगा। इस मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है, ऊपर तेल आ गया है जब तक हमें मसाला भूनना है। अब हम इसमें दो चम्मच सिंग दाने का पाउडर डालेंगे। इसे भी हमें अच्छे से चला लेना है, जैसे सींग दाने सिके हुए हैं। सींग दाने भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें दो चम्मच मलाई ऐड करेंगे। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने मलाई डाली है। मलाई को ज्यादा नहीं चलाना है। अब हम इसमें ये कटी हुई ककड़ी ऐड कर देंगे। और इसमें हमको थोड़ा पानी ऐड करना है। पानी थोड़ा ज्यादा ही डालना है क्योंकि अभी ककड़ी भी हमारी सिझ के तैयार है। इसमें मैंने एक गिलास पानी ऐड किया है। अभी हमारी ककड़ी कच्ची है, इसको सीजने में एक गिलास पानी लग जाएगा। अब मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालिए। सब्जी में एक उकाली आ गई, हम गैस को मद्धा करके ढक देंगे इसको थोड़ी देर सब्जी को। ये देखिए सब्जी पक चुकी है,
5 से 7 मिनट लगे हैं इस ककड़ी को पकने में। अब हम इसमें अंगूर ऐड करेंगे। इसमें अंगूर ऐड कर लिए हैं। बस इसको 1 मिनट तेज फ्लेम पे करके और गैस बंद कर देना है। अंगूर को ज्यादा नहीं पकाना है। ये हमारी ककड़ी अंगूर की सब्जी तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसे धनिया से गार्निशिंग करेंगे। इस सब्जी को आप पूड़ी, पराठे या नान के साथ खा सकती हैं, चपाती के साथ भी खा सकती हैं।